कोयलांचल के शराब के शौकीन हो जाएं सावधान, आपकी शराब पीने की आदत आपके लिए खतरा बन सकती है। धनबाद में लोकल शराब को बड़ी कंपनियों के बोतल में भरकर बड़ी खेप तैयार की जा रही है। ये काम छोटे नहीं बड़े स्तरों पर हो रहा है, गली मोहल्लों में हो रहा है। धनबाद से शराब की खेप बिहार भी जा रही है। ये बातें सिर्फ चर्चा में नहीं है बल्कि पुलिस भी इसे स्वीकार कर रही है। पुलिस भी मानती है कि लोकल शराब को कीमती शराब के बोतल में भरकर बेचा जा रहा है। ये काम कितने दिनों से चल रहा है और इसमें कितने बड़े बड़े लोग शामिल हैं, ये तो पुलिस जांच से ही सामने आ सकता है। आबकारी विभाग की टीम भी अगर सक्रिय हो तो मामले सामने आ सकते हैं। लेकिन एक दो छापेमारी से तो ये धंधा बंद नहीं होगा। बरवाडा की पुलिस ने राजगंज इलाके में छापेमारी कर ऐसी ही एक गैंग का खुलासा किया है और बड़ी बड़ी कंपनियों के बोतल, रैपर, झारखंड सरकार के आबकारी विभाग के स्टिकर सहित अन्य सामग्री को बरामद किया है। कोयलांचल में शराब के शौकीन अगर आप हैं तो हो जाइए होशियार। आप जो शराब का सेवन कर रहे हैं वो असली शराब है, कीमती शराब है या लोकल शराब है, इसका पता लगाना मुश्किल हो गया है। निश्चित रूप से लोकल शराब में कुछ केमिकल मिलाए जाते होंगे और उसके बाद इसे कीमती शराब के बोतल में पैक कर खपाया जाता होगा। ऐसे में तो शराब की जहरीली होने का भी खतरा हो सकता है। शुक्रवार को धनबाद के DSP अमर कुमार पांडे ने बताया कि IIRIS कंपनी के अधिकारी की शिकायत पर बरवड्डा थाना प्रभारी के नेतृत्व में नकली अंग्रेजी शराब बनाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस अभियान में गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार की देर रात को इस धंधे का खुलासा हुआ। DSP ने ये भी बताया कि ये काम एक गिरोह बनाकर किया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टिकर, ढक्कन बनाकर लोगों को ठगा जा रहा है। DSP ने बताया कि कंपनी की सर्वे टीम ने धनबाद में जब जांच पड़ताल की तो उसे पता चला कि बड़े पैमाने पर इस तरह से शराब तैयार की जा रही है और उसे अलग अलग इलाकों में भेजा जा रहा है। इसी क्रम में राजगंज के संजय कुमार महतो को पकड़ा गया। हम लोगों को विगत कुछ दिनों से यह सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ गिरोह जो कि अवैध नकली शराब बनाने में सक्रिय है और वो अवैध विदेशी शराब का निर्माण करने के साथ साथ विभिन्न जो कंपनी के शराब हैं उनके लेबल, स्टिकर और जो झारखंड सरकार का आबकारी विभाग है उसका भी जो शराब में प्रयुक्त होता है स्टिकर, वो उन सब का एक गिरोह बना करके जो है अवैध धंधा कर रहे हैं और नकली शराब का भी निर्माण कर रहे हैं। इसी क्रम में कल हम लोगों को एक आयरिश कंपनी जो कि शराब निर्माता कंपनी है उसके द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ, लिखित आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा शिकायत की गई है कि जो उनकी सर्वे टीम है उसने धनबाद का सर्वे किया और तत्पश्चात उन्हें ज्ञात हुआ कि यहाँ पे उनकी कंपनी जो कि मैकडोवेल और रॉयल स्टैक एवं अन्य प्रकार के जो शराब बनाती हैं उनका जो भी लेबल है, स्टिकर है, ढक्कन है और उसका हूबहू प्रतिरूपण कर कुछ रचना करके जो शराब निर्माता, अवैध शराब निर्माता है दूर दराज के क्षेत्रों में उनके पास बिक्री की जा रही है और शराब का एक विस्तृत नेक्सस बना करके इसका व्यापार किया जा रहा है। पश्चात हम लोगों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया और थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक उद्भेदन दल एवं छापामारी दल का गठन किया गया और कल रात्रि में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जिसका कि नाम संजय कुमार महतो है, जो कि बगदाहा राजगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसके पास से विभिन्न कंपनियों के शराब के बोतलों का ढक्कन, सील करने वाला ढक्कन और उस पर चिपकाए जाने वाला कंपनी का लेबल मार्क जिसमें कि रॉयल स्टैक, मैकडोवेल्स, इंपीरियल ब्लू इत्यादि के लेबल और प्राइस टैक्स और आबकारी विभाग जो झारखंड सरकार का है तो शराब की बोतलों पे जो स्टिकर, सील स्टिकर चिपकाया जाता है, इस प्रकार की सामग्री प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त एक शराब में प्रयुक्त होने वाला जो केमिकल होता है, पिगमेंट केमिकल होता है, उसको भी बरामद काफ़ी मात्रा में हम लोगों के द्वारा किया गया है। इस संजाल में और भी कई लोग हैं जिनके बारे में गिरफ्तार अभियुक्त जो संजय कुमार महतो है उसके द्वारा बताया गया है, हम लोग उसको वेरीफाई करके और जो एक नेक्सस है जो कि अभी दूर दराज के क्षेत्रों में अवैध नकली शराब का निर्माण कर झारखंड राज्य के अन्य जिलों में, धनबाद में अथवा बिहार
जो शराब की खेप भेजी जाती है, यदा कदा जो सूचना हम लोग को मिलती है, कई बार साफ हमारे भी होती है, तो उसका भी हम लोग संपूर्ण नेक्सस का उद्भेदन करने की दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। और जो भी इसमें और भी लोग इस गिरोह में शामिल हैं, उनको भी जल्दी हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। इस गिरोह के पास बड़ी कंपनियों की प्राइस लिस्ट की भी सूची थी, मतलब किसी को थोड़ा भी संदेह नहीं हो, इसकी पूरी व्यवस्था गिरोह के पास होती है। देखना है इस गिरोह के आधार को बनाकर धनबाद की पुलिस या आबकारी विभाग क्या बड़े बड़े मगरमच्छों तक पहुँच पाती है, अथवा उन्हें पहले की तरह ही छूट मिलती रहेगी। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।